देखो ये जेई एडवांस 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इक्वल्स। देखो पहले लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ये कंडीशन हमने यहां से लिख लिया, ठीक है। अब देखो ओमेगा प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब जो गिवन है वो लिखते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द 7। देखो माइनस है और ऑड पावर है तो निगेटिव आ जाएगा बाहर, ठीक है। 2 को 7 बार करेंगे पावर लेंगे तो 128 बनेगा, ठीक है। और ओमेगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा रेस्ट टू द पावर 14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 128, ठीक है। ओमेगा क्यू के टर्म्स में लिख लेते हैं तो पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर इन दोनों को बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है तो 4 12 2 14, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह रहा है तो मतलब ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो ओमेगा क्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा तो माइनस 128 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। भाई 1 टू द पावर 4 रखेंगे 1 ही आएगा तो माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, डी आ गया, ठीक है। जो जो हमें कंसेप्ट पता था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में वो पहला कंसेप्ट ये, दूसरा कंसेप्ट ये कि ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, ये दोनों कंसेप्ट यूज करके हम तुरंत आंसर तक पहुंच गए।